हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, जिसमें अपन ने पढ़ा पहले पाइसिस, पाइसिस की दो क्लासेस, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ओस्टिक्थीस, और एक थर्ड ग्रुप है डिप्नोई, जिसमें इंक्लूड करते हैं अपन लंग फिशेज को। आज पढ़ेंगे अपन एम्फीबिया। एम्फीबिया दे आर originated in Devonian period and Carboniferous period is age of amphibians. देखें, the Devonian period is age of fishes and the amphibians are originated during Devonian period and Carboniferous period is age of amphibians. They have dual nature, it means can live on land as well as in water, but no marine form, कोई भी जीव समुद्री जल में नहीं है। नेक्स्ट है, बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड, ट्रंक एंड टेल। सम हैव लैक ऑफ टेल, कुछ में टेल नहीं है। नेक्स्ट है, स्किन इज स्मूथ ग्लैंडुलर मॉइस्ट एंड स्केललेस। नेक्स्ट एक्सेप्शन, इक्थियोपिस हैव स्केल्स। नेक्स्ट, skin is pigmented, skin is pigmented, have chromatophores, pigmented cells, and some have ability to change color of skin called मेटाक्रोसिस, यानी स्किन का कलर चेंज करने की जो एबिलिटी है वो मेटाक्रोसिस। अभी इसी तरह के रिलेटेड दो टर्म और आए थे, एक टर्म आया था अपने सामने मेटाजेनेसिस, एक टर्म आया था मेटामॉर्फोसिस, और एक नया टर्म आ गया
मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेजेस इन सिलेंट्रेट्स। मेटामॉर्फोसिस, द चेंजेस इन लार्वा व्हेन इट डेवलप्स इनटू एडल्ट। जब लार्वा एडल्ट में डेवलप हो रहा है तो उसमें होने वाले चेंजेस मेटामॉर्फोसिस। एंड द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज द कलर ऑफ स्किन, है ना, जीव में अपनी त्वचा का जो रंग बदलने की क्षमता है वो क्या है, मेटाक्रोसिस। तो अभी आपने देखा इनकी उत्पत्ति डेवोनियन पीरियड में और कार्बोनिस फेरस पीरियड इनके गोल्डन एज या एज ऑफ एम्फीबियंस। ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर मीन्स दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज दे कैन लिव इन वाटर। नेक्स्ट, नो मरीन फॉर्म, कोई भी समुद्री जल में नहीं है। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, ट्रंक एंड टेल, बट सम हैव लेग्स ऑफ टेल। स्किन इज स्मूथ, ग्लैंडुलर, मॉइस्ट और स्केललेस, लेकिन इक्थियोपिस में स्केल्स आर प्रेजेंट। त्वचा पिगमेंटेड है, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट हैं और कुछ जीवों में स्किन का कलर बदलने की कैपेसिटी होती है, कलर बदलने की एबिलिटी होती है, जिसको अपन बोलते हैं मेटाक्रोसिस। They have two pairs of limbs, forelimbs have four fingers and हैंड लिम्स हैव फाइव फिंगर्स। फॉर लोकोमोशन ऑन लैंड एंड स्विमिंग इन वाटर, यानी दो जोड़ी लिम्स है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स है, जिनमें फोर लिम्स में फोर फिंगर्स, हैंड लिम्स में फाइव फिंगर्स, विच आर हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑन लैंड एंड स्विमिंग इन वाटर। रेस्पिरेशन इन लार्वा एंड सेलामेंडर थ्रू gills and in adults buccopharyngeal respiration, yani mukh guha ke dwara shoshan। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी थ्रू मॉइस्ट स्किन एंड थ्रू लंग्स, है ना, डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, क्लोज सर्कुलेशन विद थ्री चैम्बर्ड हार्ट, टू एट्रिया, सिंगल
वेंट्रिकल। देखो इनमें क्या होगा, जैसे हार्ट है 3 chambered, 2 atria एंड सिंगल वेंट्रिकल, तो यहाँ पर हार्ट पे एक ट्राइंगुलर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट। दिस ट्रेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस। तो द वन पेयर ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड सिंगल इंफीरियर वेना केवा, यानी एक जोड़ी अग्र महाशिरा और सिंगल पस महाशिरा, दे आर ओपन्स इन टू साइनस वेनोसस, ये साइनस वेनोसस में खुलती हैं। एंड साइनस वेनोसस इज ओपन्स इन टू राइट एट्रिया, और साइनस वेनोसस किस में खुलता है, दाहिनी ओर के एट्रिया में ओपन होता है। लेकिन ह्यूमन में क्या कंडीशन होती है, इन ह्यूमन द साइनस वेनोसिस इज एबसेंट, सो दैट द सिंगल सुपीरियर वेना केवा एंड सिंगल इन्फीरियर वेना केवा डायरेक्टली ओपन इन टू राइट एट्रिया, यानी मानव के हार्ट में ट्रंकस आर्टेरियोसिस साइनस वेनोसिस नहीं है, इसलिए एक अग्र महाशिरा और एक पस महाशिरा सीधी कहाँ खुलती है, राइट एट्रिया में खुलती है। इसी तरह से देखो इनमें क्या होगा कि जैसे हार्ट है, अब इनमें वेंट्रिकल सिंगल है इसलिए यहाँ पर एक आर्क निकलता है और ये आर्क दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, तो ये जो सिंगल आर्क निकल रहा है इसको अपन बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, जिसके दो ब्रांचे हो गए सिस्टेमिक आर्क एंड पल्मोनरी आर्क, सिस्टेमिक आर्क एंड पल्मोनरी आर्क। तो अपन ये बोल सकते हैं कि साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस आर प्रेजेंट। साइनस वेनोसस भी है और ट्रंकस आर्टेरियोसस भी है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड आरबीसी, केंद्रक युक्त आरबीसी, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्क निवाहिका तंत्र बहुत हार प्रेजेंट, दोनों पाए जाते हैं। देखिए अभी ये पोर्टल सिस्टम एक नया नाम आ रहा है, पोर्टल सिस्टम या निवाहिका तंत्र। क्या है पोर्टल सिस्टम, कि जनरली हमारी बॉडी की जो वेन्स हैं वे डिओक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके और डायरेक्टली वेना केवा के थ्रू हार्ट में एंटर करवाती हैं, लेकिन कुछ वेन जो ब्लड को कलेक्ट कर डायरेक्ट हार्ट में पहुंचाने के बजाय किसी मिडल ऑर्गन में पहुंचाती हैं तो उनको बोलते हैं पोर्टल वेन। अगर लीवर में पहुंचा रही हैं तो हेपेटिक पोर्टल वेन, अगर किडनी में पहुंचा रही हैं तो रीनल पोर्टल वेन, और इस मिडल ऑर्गन में इंटर होने के बाद ये जो पोर्टल वेन है वो ब्रांचेज में डिवाइड होकर के एक नेटवर्क बनाती हैं, उसको अपन बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहां पर आ गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी है और रीनल पोर्टल सिस्टम भी है। एक्सक्रेशन बाय मेजोनेफ्रिक किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी,
एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, देखिए लार्वल स्टेज या ये कह सकते हैं लार्वा और सेलामेंडर में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है अमोनिया, लेकिन टेरेस्ट्रियल में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है यूरिया। नेक्स्ट, दे हैव टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स इन देयर स्कल, यानी दे आर डाइकोंडाइलिक। केवल मैमल्स और एम्फीबियंस ये दोनों डाइकोंडाइलिक हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, मोनोकोंडाइलिक हैं। टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स बट क्रेनियम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। क्रेनियम कार्टिलेज से बना हुआ है, बाकी एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। दे आर एन एमिन्यूटा, एक्स्ट्रा एमिन्यूटिक मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट। तो देखें, एक्सक्रेशन बाय मेजोनेफ्रिक किडनी, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एक्वेटिक जीव और लार्वा में अमोनिया और टेरिस्ट्रियल में यूरिया। डाइकोंडाइलिक यानी दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल। टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स बट क्रेनियम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस एंड दे आर एन एमनियोट्स, एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेम्ब्रेन एमनियोन इज एब्सेंट। दे आर यूनिसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड जनरली टेंटपोल लार्वा इज प्रेजेंट। ओविपेरस है, टेंटपोल लार्वा है। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट। दे अंडरगो, दे आर पोइकिलोथर्मिक यानी कॉल्ड ब्लडेड। अंडरगोज हाइबर्नेशन एंड एस्टिवेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम
एक्सट्रीम कॉल्ड एंड हीट, यानी शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए हाइबर्नेशन और एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए एस्टिवेशन। तो ये इनके मेन कैरेक्टर्स हैं, किसके? एम्फीबियंस के। फिर देखते हैं अपने इसके एग्जांपल्स। एक्थियोफिश, ब्लाइंड वॉर्म, स्केल्स आर प्रेजेंट, दे आर लिम्बलेस एंड हैव पेरेंटल केयर। अंधकृमि, जिनमें सल्क स्केल प्रेजेंट हैं, लिम्ब्स एब्सेंट हैं और पेरेंटल केयर भी इनमें पाई जाती है। इक्थियोफिश, सेलामेंडर, एक्सोलोटल लार्वा इज प्रेजेंट। नेक्टुरस, एम्फियुमा, लार्जेस्ट आरबीसी। ड्यूफो, पॉइजन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्किन। हाइला, ट्री फ्रॉग, राना, इंडियन बुल फ्रॉग। रेकोफोरस, फ्लाइंग फ्रॉग, एलाइटिस, मिडवाइफ टॉड, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। जैसे इक्थियोफिश, ब्लाइंड वॉर्म, स्केल्स प्रेजेंट हैं, लिम्बलेस है, पेरेंटल केयर है। सेलामेंडर, जिसको मैं एक्सोलोटल लार्वा है। नेक्टुरस, एम्फियुमा, एम्फियुमा में लार्जेस्ट आरबीसी हैव अबाउट 80 माइक्रोन इन डायमीटर। ड्यूफो, स्किन में पॉइजन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। हाइला, ट्री फ्रॉग, राना, इंडियन वुल फ्रॉग, रेकोफोरस, फ्लाइंग फ्रॉग, एलाइटिस, मिडवाइफ टॉड। देखें, कॉर्डेट्स में जो मिनिमम स्पीसीज हैं वो है एम्फीबियंस में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज आर इन पाइसिस। पाइसिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज एंड एम्फीबियंस हैव मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज इन फाइलम कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्लास देते हैं अपन रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, दे आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड
एंड डोमिनेंट ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा। एंड डोमिनेंट ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा। नेक्स्ट है, दे आर फर्स्ट फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। बट सम आर एक्वेटिक। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। सिर, ग्रीवा, धड़ और पूछ। दे हैव टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइलिक लिम्स, ईच लिम हैव फाइव फिंगर्स। स्किन हैव या स्किन इज ड्राई, रफ एंड एपिडर्मल स्केल्स। स्किन इज ड्राई, रफ एंड एपिडर्मल स्केल्स। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, जेनिटल डक्ट्स, ऑल आर ओपन्स इनटू क्लोइका एज लाइक एम्फीबियंस। जैसे एम्फीबियन में क्या है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और जेनिटल डक्ट सारे के सारे ओपन होते हैं क्लोइका में, तो वैसे रेप्टाइल्स में क्या होता है, सारे के सारे क्लोइका में ओपन हो रहे हैं। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, रेस्पिरेशन के लिए इनमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो देखें, दे आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई और मीजोजोइक इरा है वो इनका डोमिनेंट पीरियड था। दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल एनिमल्स बट सम आर लिव इन वाटर। बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, ईच लिम्ब हैव फाइव फिंगर्स। स्किन इज ड्राई, रफ एंड हैव एपिडर्मल स्केल्स। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनिटल डक्ट्स आर ओपन्स इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोइका एंड रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। नेक्स्ट है, क्लॉज सर्कुलेशन थ्री चैम्बर्ड और इनकम्प्लीट
फॉर चैम्बर्ड हर्ट, बट इन ऑर्डर क्रोकोडिलिया हैव कंप्लीटली फॉर चैम्बर्ड हर्ट। Crocodiles completely four chambered heart. Cyanus venosus is underdeveloped and truncus arteriosus is absent. RBC are nucleated endoskeleton is made up of bones. They have 12 pairs of cranial nerves, have both hepatic portal system and renal portal system. Hepatic portal system or renal portal system, both are present. They are belongs to group amniota, it means amnion membrane is present. Next, excretion through metanephric kidney, and they are uricotelic, it means excretory product is uric acid. तो यहां पर देखा हार्ट थ्री चैम्बर्ड है, जिनमें क्या होगा जैसे टू एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल, बट इट इज पार्सली डिवाइडेड इंटू टू चैम्बर्स, सो वी कैन से दैट हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड और इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, बट द मेंबर्स ऑफ ऑर्डर क्रोकोडिलिया have completely four chambered heart. Sinus venosus is underdeveloped, truncus arteriosus absent, RBC nucleated, endoskeleton is made up of bones, 12 pairs of cranial nerves. देखे एन amniotes में पाइसिस और amphibians, जिनमें cranial nerve कितने 10 pairs, लेकिन all amniotes have 12 pairs of cranial nerves. इनमें भी हेपेटिक पाउडर सिस्टम और रीनल पाउडर सिस्टम दोनों एम्ब्रियोटा ग्रुप है, एंड एक्सक्रेशन थ्रू वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी, एंड दे आर यूरिकोटेलिक इन नेचर, इट मीन्स एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, एंड दे आर मोनोकोंडाइलिक, दे आर मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक मीन्स सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल इज प्रेजेंट. यूनिसेक्सुअल
इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ओविपेरस। एग्जाम्पल, टेस्टुडो, ट्रायोनिक्स, किलॉन, टर्टाइल। ट्रायोनिक्स, ट्रायोनिक्स एडिबल, दे आर इन मैरीन वाटर, टेरिस्ट्रियल फ्रेश वाटर। टेस्टुडो, किलोन एंड ट्रायोनिक्स, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं ऑर्डर किलोनिया, और किलोनिया ऑर्डर के जो भी जीव है उनमें क्लोएकल रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट, यानी रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू क्लोएका। स्फिनोडोन, टुआटारा फाउंड इन न्यूजीलैंड, हेमिडक्टाइलिस वॉल लिजर्ड, कॉमन लिजर्ड, कैलोटिस इसको बोल सकते हैं अपन, गार्डन लिजर्ड, ड्रेको, फ्लाइंग लिजर्ड, कैमिलियन, गिरगिट, हेलोड्रमा इसको बोल सकते हैं, गीला मॉन्स्टर है ना, हेमिडेक्टाइलिस, कैलोटिस, ड्रेको, कैमिलियन, हेलोड्रमा। इसके अलावा अपन देखें कुछ अदर एग्जांपल्स, पाइथन, अजगर लार्जेस्ट स्नेक, नाजा इंडियन कोबरा, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन किंग कोबरा ही बोलते हैं, हाइड्रोफिश, मैरीन एंड डेडली पॉइजनस टॉक्सिन, हैव डेडली पॉइजनस टॉक्सिन, वाइपेरा, वाइपर, वंगेरस, कैरेट, दे आर स्नेक्स, पाइथन, नाजा, हाइड्रोफिश, व्यूपेरा, डेंगुरेस एंड अदर एग्जाम्पल्स, क्रोकोडाइल है फोर चैम्बर्ड ऑफ हार्ट, गेवेलिस जिसको घड़ियाल बोलते हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट, एलिगेटर
ऑल्सो हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, लिजार्ड, टॉर्टोइज, टर्टल आर इंक्लूड्स इन क्लास रेप्टिलिया। जैसे अपने देखा टेस्टुडो टॉर्टोइज जो टेरिस्टियल है, किलोन जिसको बोलते हैं टर्टाइल मेरिन वाटर में है, ट्रायोनिक्स जो एडेबल है फ्रेश वाटर में है, स्फिनोडॉन टुआटारा न्यूजीलैंड इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल। हेमिडेक्टाइलिस वॉल लिजॉर्ड एंड कॉमन लिजॉर्ड, कैलोटिस गार्डन लिजॉर्ड, ड्रेको फ्लाइंग लिजॉर्ड जिनमें जो स्किन जैसी फैली हुई होती है उसको बोलते हैं पेटेजियम, कैमेलियन गिरगिट, हेलोड्रमा गीला मॉन्स्टर है ना, इसके अलावा पाइथन नाजा हाइड्रोफिस वाइपेरा बोंगेरस एंड सम अदर्स एज क्रोकोडाइल गेबिलिस एलिगेटर, ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल हैं एंड दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल एनिमल्स बट दे ऑल्सो पोइकिलोथर्मिक। इट मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड बट दे आर एमनियोट्स, हैव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन देयर डेवलपिंग एम्ब्रियो विच प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे एविज। देखिए अपन ने कॉर्डेट्स में पढ़ा, सबसे पहले लोअर कॉर्डेट्स यानी प्रोटोकॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स और सिफिलोकॉर्डेट्स, फिर अपन ने एग्नेथा के अंदर पढ़ा साइक्लोस्टोमेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर फिर अपने आ गया पाइसिस, पाइसिस की दो क्लासेज कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज, फिर टेट्रापोडा में अपने पढ़ा एम्फीबिया और रेप्टिलिया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एविस।